पेश किया गया है, किस तरह से देखते हैं इसको? मेरे को लगता है कि आम आदमी के बजट की बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि ये आम आदमी का बजट है, और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 20,384 लोगों ने हमें सुझाव भेजे। क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसा कोई एक सुझाव जो किसी आम व्यक्ति ने भेजा हो उसको टिप्पणी करके क्या वित्त मंत्री बता सकते हैं कि ये सुझाव किसी आम व्यक्ति ने भेजा था, उसका नाम ये था और हमने अपने बजट में शामिल किया है? नहीं, मेरे को लगता है ये केवल खाली एक वही जिस प्रकार से आदत रही है मूर्ख बनाने की, लोक जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। पहले कहा गया कि इस बार जो बजट होगा वो आपको टैब दिए जाएंगे, आप उस पर देखेंगे, इस बार उसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर वो बुकलेट दे दिया गया। वही दिखावा, वही बातें, बस स्टैंड्स की बात की गई, आई वॉज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वही पुराने बस स्टैंड जिसका हम निर्माण और टेंडर लगा कर गए थे उनकी उन्होंने बात की है। मेरे को लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं रखी गई। और 1,000 की बात हुई थी महिलाओं के लिए, उन्होंने कहा था कि हर महिला को 1,000 रुपया दिया जाएगा पेंशन के अलावा, तो मेरे को लगता ना तो वो 1,000 की कहीं बात हुई। लोगों को जो कच्चे मुलाजिम हैं उनको पक्का करने के लिए कुछ तजवीज़ ना, उनको वही 36,000 मुलाजम जिनको हम पक्का करने की बात करके गए थे, जो गवर्नर के पास चले गए थे लेकिन गवर्नर ने वो वापस भेज दिया था, उन्हीं की बात की है। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी विशेष टैक्स फ्री की, बिल्कुल टैक्स कोई उन्होंने ऐसी घोषणा तो कभी नहीं की कि कोई किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाया जा रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी है, जैसे हमने वाटर वर्क्स का बिल माफ़ करके गए थे गाँव का, जो उन्होंने अब लागू करने की तजवीज़ बना ली है वो लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से हम 1 किलोवाट वाले को 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, जबकि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा था, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि जो हम 7 किलोवाट वाले को हमने 3 रुपये सब्सिडी का फैसला किया था, 7 किलोवाट से जो नीचे लोग हैं वो ये फैसला लागू रखेंगे और ख़त्म करेंगे। जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि उसको इन्होंने खारिज कर दिया गया है। तो ये तमाम सी चीज़ें, मेरे को नहीं लगता कि कोई पंजाब के हित में, पंजाब की जनता के हित में, और जिस प्रकार से कहा गया था माइनिंग से पैसा आएगा और कई चीज़ों से हम पैसा निकालेंगे, वही हाँ, तो वो कहीं उसका कोई प्रस्ताव कोई बात और मानित बजट, ये आबकार नीति से उन्होंने कहा कि 9,000 करोड़ आएगा और 56% का उन्होंने कहा है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, हालांकि 7200 करोड़ पिछली बार हुआ था। अभी आबकार नीति पूरे तरीके से लागू हुई नहीं है, ठेकेदारों ने मना कर दिया है, जो तमाम बिजनेसमैन उन्होंने कहा है कि ये नीति नहीं चलेगी। तो मेरे को लगता है मैं अभी इसके डॉक्यूमेंट्री अगर इसको पढ़ेंगे और कल जब इसके ऊपर बहस होगी तो जनता को विस्तार पूर्वक तरीके से हम बता पाएंगे कि ये जो बजट है ये जनता का बजट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का बजट। राजा साहब, दूसरा अगर पंजाब में जो कानून व्यवस्था का इसमें हालात है, कल डेरा बसी में ही पुलिस वालों ने आइसक्रीम खाने आए एक परिवार के एक व्यक्ति पर गोली मार दी, उसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था तो पंजाब में है ही नहीं है और उसके ऊपर मोहर हमने नहीं, ये कोई ऑपोजिशन के कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं, जनता ने उसके ऊपर जो 100 दिन का उनका काम काज था उसके ऊपर मोहर लगाई है कल संगरूर के अंदर बाय इलेक्शन में। तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ पंजाब के अंदर है ही नहीं।